गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज है 12 अगस्त और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और दोस्तों देख सकते हैं हम उठ चुके हैं और आपसे हम थोड़ा मोरा काम किए हैं और आपसे हम बातें करते हैं और दोस्तों बने रहते हैं आज की ब्लॉग में और देखते हैं जो आज के ब्लॉग में आप सबको क्या देखने को मिल रहा है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बने रहते हैं आज की ब्लॉग में और देखते हैं। तो चलिए अपने फैमिली से भी मिलवाते हैं, देखते हैं इस टाइम वो क्या कर रहे हैं। तो देख सकते हैं मॉर्निंग सवेरे का चाय पी रहे हैं, देख सकते हैं ये सब चाय का आनंद ले रहे हैं। तो उठे हैं सोकर के बैठे हैं, चाय ले रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या करना है। उससे लोग सबको भी क्या क्या काम को दिखाना है, सब क्या क्या करने का बैठने से थोड़े दिन की चलने वाला। तो दोस्तों बने रहते हैं आज के ब्लॉग में और एक तो छोटा बेटा है जो सो रहा है अभी, तो उठने वाला है नहीं अभी, जा रहे हैं उठाने के लिए वैसे हम। और एक जो है सो अभी बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसी में गया है। तो दोस्तों बने रहते हैं और हम भी जा रहे हैं चाय पीने के लिए। अभी तो सो रहा है, हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए और दोस्तों जा रहे हैं एडिटिंग करने के लिए, पब्लिश कर देते हैं तो फिर आपसे हम बातें करते हैं और बने रहते हैं इस ब्लॉग में और देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम भी चाय पी रहे हैं। चाय पी के जा रहे हैं, वीडियो को एडिटिंग करना है और पब्लिश करना है, कोशिश करते हैं जो टाइम पे करूं। तो आप सब जानते हैं 8 बजे अगर नहीं हो सकता है तो 8:30 बजे तक हम हर हाल में हम पब्लिश कर देते हैं। तो बने रहते हैं आज के ब्लॉग में और देखते हैं। तो दोस्तों अभी 12:40 हो रहे हैं और देख सकते हैं हम नहा सुना के रेडी हैं। और तो दोस्तों अभी 12:40 हो रहे हैं और देख सकते हैं जो आपसे हम बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहते हैं इस ब्लॉग में और देखते हैं। और दोस्तों बीच में हम नहीं आ पाए थे क्योंकि हमको कुछ तबीयत खराब हो गई थी, माथा बहुत भारी लग रहा है, दवा खाने पर भी माथा बहुत जोर की दर्द हो रही है, इसी कारण से हम दवा खाए हैं। और तो फिर अभी हम नहा सुना के रेडी हुए हैं और सोचे जो आप सबसे भी बातें कर लेते हैं और सोचते होंगे जो बीच में कहाँ थे तो आपको हम बता दिए हैं उनको कुछ तबीयत ख़राब है इसी कारण से। लेकिन हम कोशिश करते हैं ब्लॉग को पूरा करो और बने रहते हैं इस ब्लॉग में और देखते हैं आज के ब्लॉग में आप सबको क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जा रहे हैं, कुछ वीडियो भी बनाना है तो ट्रैवलिंग वीडियो बनाना है तो उसी में लगे हुए हैं। और आप लोग एक साथ साउंड मिल रहा है, जस्ट हेडफोन खोल चुका है ठीक है, और ये भी फिल्म का नज़ारा ले रहा था। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा फिल्म देखें, कौन सा चुटकुला देखें आप बताएं मुझे। टाइम पास के लिए कुछ नहीं कर रहे कृपया, तो इसी में चार्ज लगा दूँ। जी चार्ज लगा सकते हैं अपनी लंबी जुबान को गले। वेल दोस्तों कैसे हो, मजा आएगा। और मैं आप लोग को एक और बात बता दूंगा, आप देख सकते हो अगर वो तो दोस्तों अभी 3 बज रहे हैं और देख सकते हैं जो आपसे हम बातें कर रहे हैं
और दोस्तों अभी यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में मैगी बना है और जलजीरा के साथ स्वाद लिया जाएगा। स्वाद लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और नींबू, नींबू सफ़ेद छिड़का जाएगा। आजकल यही नाश्ता में होता है, दो तीन रोज से यही चल रहा है, दो तीन रोज से यही चल रहा है। तो दोस्तों अभी 3 बज रहे हैं और देख सकते हैं जो आपसे हम बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तो दिखाते हैं 3-4 रोज से यही नाश्ता कर रहे हैं। तो दोस्तों आ रहे हैं नाश्ते में, देख सकते हैं दोस्तों बने रहे इस ब्लॉग में, देखते हैं आज की सीन। देख सकते हैं घिउरा का अभी जो है नेनुआ जिसे बोलते हैं, तो उसका ये चोखा बनने वाला है, तो दिखाएंगे, बने रहिए इस ब्लॉग में और देखिए। और इधर सब्जी भी बन रहा है आलू परवल का, बहुत स्वादिष्ट होता है इस तरह से घिउरा को थोड़ा सा छील करके और इसे पकाना है, पक जाए तो घुमाते रहना है इसी तरह। और इसे पकने देते हैं फिर दिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं इसी तरह से पका लें और इसके बाद ये जो है इसका छिलका जो है हल्का 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 धो के निकाल देना है और इसमें नमक और हल्का सरसों तेल, और देख सकते हैं हमने हरी मिर्ची और प्याज होते हैं इसी को हम मिक्स करना है। ये चोखा की तरह बहुत स्वादिष्ट होता है, अच्छी होती है। तो दोस्तों एक बार बना के जरूर इसी तरह खाएं नेनुआ का चोखा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी तरह से ये नेनुआ का चोखा बहुत ही स्वादिष्ट होती है। नमक इसमें देना है थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट होती है। और दोस्तों देख सकते हैं ये जलजीरा है, इसे हम छीट रहे हैं। वैसे तो भी वैसे भी खा सकते हैं और जलजीरा दे करके खाते हैं तो और भी स्वादिष्ट होगी। तो हमने जलजीरा का इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया है नेनुआ का चोखा। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि वीडियो डालने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।